इसमें से एक भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह के टॉपिक हम पर डे 5 से 10 कवर करेंगे। पर इस तरह के क्वेश्चंस आज के कॉम्पिटिशन की डिमांड है, वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, फैक्चुअल पे जाएंगे वनडे एग्जाम में। मगर कभी कभी करंट अफेयर हमारे लिए सबसे ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अगर 5 करंट अफेयर फंस गया वो हमारे लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है। वो पढ़ के मेरे दिमाग में होनी चाहिए एग्जाम के दिन, वो चीज हमारे एग्जाम में होनी चाहिए, एग्जाम के दिन मेरे दिमाग में होनी चाहिए ये। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर एंड आई एम हियर टू गेट डिस्कस ऑन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। माय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के हम इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। ये कोई करंट अफेयर उठाई गिरा नहीं है कि उठाए और इसको हम लोग अब चेप दिए बोर्ड पे, ठीक है। ये जो भी करंट अफेयर्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे डेली बेसिस एग्जामों में देखते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो चैट जीपीटी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि जीपीटी तो हम जानते हैं, जीपीटी आया, मगर जीपीटी में टी क्या है, टी का फॉर्म क्या है, जैसे फुल फॉर्म पूछता है ना, तो टी क्या है, ये क्वेश्चन था। उसी तरह ओपन एआई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसको हमको याद करके जाना चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी भी ओपन एआई का है और ओपन एआई ने एक नया चीज एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है GPT-4o, और ओ का मतलब यहाँ होता है ओमिनी। इस चीज को याद रखना होगा, एआई मॉडल GPT-4o ये जीरो नहीं है, ये ओ है। ये क्या है, ये ओ है, और ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, ओमिनी लॉन्च बाई ओपन एआई। इसी का ये AI मॉडल है GPT-4o, O का मतलब है ओमिनी। क्वेश्चन आ सकता है कि GPT-4o में O का फॉर्म क्या है, O का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो O का मतलब है ओमिनी। याद रखना कौन लॉन्च किया है, ओपन AI, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो वी हैव टू लर्न दिस। और ये कब आता है, जब आप पेपर देते हैं, जब किसी एग्जाम को देते हैं, एग्जाम की डिमांड को समझते हैं। आजकल के जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, चाहे वन डे एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चंस ऐसे उठाई गिरा वाले नहीं आ जा रहे हैं कि फलाना दिन कब मनाया जाता था, कौन किस दिन मर गया, किस दिन किसको अवार्ड मिला, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अपर भी आते हैं, अपर भी इनकी डिमांड है। मगर अब कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि 5 में से 1 लड़का ही कर पाए, ठीक है। याद रखिए पेपर बनता है सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए पेपर बनाया जाता है, कितने ज्यादा लोग रिजेक्ट हो पाए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे के एग्जामों में जरूर पूछ सकता है। रिसेंट में बना है दुबई में, यूनाइटेड अरब इमिरेट में, AI माकातुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। AI माकातुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट से, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है AI माकातुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका दुबई में यूनाइटेड अरब इमिरेट में है। अभी हाल ही में वोल्केनो इंडोनेशिया में हुआ था, रिलीज हुआ था, फटा था, उस वोल्केनो का नाम क्या था, उस वोल्केनो का नाम था रुआंग वोल्केनो इज एक्सप्लोडेड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर में जो वोल्केनो फटा, विस्फोट हुआ, उसका नाम क्या था, रुआंग वोल्केनो। अगर रुआंग वोल्केनो किस देश में निकला था ये पूछे तो आपको बताना है, इंडोनेशिया में वोल्केनो रिलीज हुआ था, उसका नाम पूछे तो आपको याद रखना है रुआंग। एक ही से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम ये याद रखेंगे कि एक से ही 2 क्वेश्चन बने। रुआंग वोल्केनो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। रुआंग वोल्केनो कहाँ आया था इंडोनेशिया में। जिम्बाब्वे ने अपनी एक न्यू करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम क्या रखा है, जिग जे आई जी इज द न्यू करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, ये एक क्रिकेट टीम भी अपनी रखी है, क्रिकेट टीम भी इसकी हम देखते हैं, इसने न्यू करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, जिग। जिग किस देश की करेंसी है, जिम्बाब्वे। जिग किस देश की करेंसी है, जिम्बाब्वे। जिग किस देश की करेंसी है, जिम्बाब्वे। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, रुआंग वोल्केनो कहाँ का है,
इंडोनेशिया। रुआंग वोल्केनो कहाँ है? इंडोनेशिया। किस देश में फिलहाल में रुआंग वोल्केनो आया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कौन सा वोल्केनो फटा वो हमको याद रखना है, रुआंग। किस देश का करेंसी है जिग? जिम्बाब्वे। किस देश की करेंसी है जिग? जिम्बाब्वे। किस देश की करेंसी है जिग? जिम्बाब्वे। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ खुला है? दुबई, यूनाइटेड अरब इमिरेट में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहाँ खुला है? दुबई, यूनाइटेड अरब इमिरेट में, एआई माकर्दुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओपन एआई ने न्यू मॉडल एआई का लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? GPT-4o। GPT-4o जिसमें ओ का मतलब क्या निकलता है? ओमिनी। ओ का किसका मतलब निकलता है? ओमिनी। याद रखेंगे, ये किसी भी तरह की परीक्षा में आ सकता है, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो BCS का एग्जाम हो। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा फंसते हैं, हमको पढ़ के जाना होगा, नहीं तो ये क्वेश्चंस हमसे छूट सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इतने लीली आएंगे कि आपका सीली मिस्टेक करने की चांसेस सबसे ज्यादा होंगी। आप हैवी करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे, फैक्चुअल कंटेंट्स को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, फैक्चुअल कंटेंट्स को। ठीक है, टारगेट कीजिए क्या एग्जाम की डिमांड है, उस अकॉर्डिंग करंट अफेयर को तैयार कीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ब्लू होल कहाँ देखने को मिला है? मैक्सिको में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लू होल कहाँ देखने को मिला है? मैक्सिको में। उसका नाम क्या है? टैमजा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लू होल हमें कहाँ देखने को मिला है? माई फ्रेंड्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लू होल कहाँ देखने को मिला? टैमजा में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लू होल हमें कहाँ देखने को मिला माय फ्रेंड्स? टैमजा में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लू होल हमें देखने को कहाँ मिला माय फ्रेंड्स? टैमजा, मैक्सिको। उसका नाम क्या था? टैमजा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लू होल कहाँ देखने को मिला है? मैक्सिको में। उसका नाम हमने क्या दिया है? टैमजा। अच्छा, अब से हम वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। ठीक है, ये न्यू करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एक हो सकता है कि अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट को छोड़ दे, मगर ये भी हो सकता है ये चीज जरूर पूछ ले कि वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा? 25 मई। एवरी ईयर 25 मई, मई की 25वीं तारीख को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। मई की 25वीं तारीख को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। अब हमारे साथ फिर से एक बार रिवाइज करो, AI मॉडल GPT-4o। AI मॉडल GPT-4o जिसमें O का मतलब क्या है? ओमिनी। किसने लॉन्च किया है? OpenAI। दूसरा, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे बना है? दुबई, यूनाइटेड अरब इमिरेट। किस नाम से? AI माकातुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रुआंग वोल्केनो कहाँ आया है? इंडोनेशिया में। किस देश में रुआंग वोल्केनो आया हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो वोल्केनो फटा उसका नाम क्या है? रुआंग। किस देश की करेंसी है जिग? जिम्बाब्वे। वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लू होल कहाँ है? मैक्सिको में। क्या नाम है? टैमजा। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा? 25 मई को हर साल। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा? 25 मई को हर साल। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा? 25 मई को हर साल। वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लू होल कहाँ है? मैक्सिको में। क्या नाम है? टैमजा। जिग किस देश की करेंसी है? जिम्बाब्वे। जिग किस देश की करेंसी है? जिम्बाब्वे। इंडोनेशिया में कौन सा वोल्केनो रिलीज हुआ है? रुआंग। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहाँ बना है? दुबई के यूनाइटेड अरब इमिरेट में, AI माकातुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओपन AI ने कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया है? GPT-4o। O स्टैंड फॉर ओमिनी। तो इस तरीके से करंट अफेयर का हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन किया। इसी तरह के डेली हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आएंगे, जिसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर तो सब इंपॉर्टेंट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट है, बट उस हजारों उस करोड़ों की भीड़ में से अगर 5-6 भी चुन के निकला है तो वो चीज हमको पढ़ के मेरे दिमाग में होनी चाहिए एग्जाम के दिन, वो चीज हमारे एग्जाम में होनी चाहिए, एग्जाम के दिन मेरे दिमाग में होनी चाहिए। ये चीज तो हमारे दिमाग से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस तरह के टॉपिक हम पर डे 5 से 10 कवर करेंगे, पर डे 5 से 10 कवर करेंगे, जिसमें से हमारे चांसेस करंट अफेयर को टच करने की 100% रहे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आज की कॉम्पिटिशन की डिमांड है, वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, फैक्चुअल पे जाएंगे वन डे एग्जामों में, UPSC या PCS लेवल के
दर्ज पे जाके आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, डेली करंट अफेयर जो आपके मंथली डेली जो चल रहे हैं उसी में से आएंगे, वही चीज हैक्टिक हमें पढ़ना, उसी चीज को हमको देखना है। करंट अफेयर को हम बहुत नॉमिनल लेते हैं, हम कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि छोड़ के चलते हैं, मगर कभी न कभी करंट अफेयर हमारे लिए सबसे ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अगर 5 करंट अफेयर आया, 5 करंट अफेयर फंस गया, वो हमारे लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है, बाकियों के लिए तो वो ठीक है, मगर अपने लिए अगर करंट अफेयर 5 क्वेश्चन कंपटीशन में कम करंट अफेयर के बन जाना एक संजीवनी का काम करता है। तो इस संजीवनी को हमको सूरज उगने से पहले ही हमें अपने पास रखना है, ठीक है। इस संजीवनी को सूरज उगे उससे पहले ही अपने पास होनी चाहिए, नहीं तो बचा पाना सबसे कठिन है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद। बाकियों के लिए तो वो ठीक है, मगर अपने लिए अगर करंट अफेयर 5 क्वेश्चन कंपटीशन में कम करंट अफेयर के बन जाना एक संजीवनी का काम करता है। तो इस संजीवनी को हमको सूरज उगने से पहले ही हमें अपने पास रखना है, ठीक है। इस संजीवनी को सूरज उगे उससे पहले ही अपने पास होनी चाहिए, नहीं तो बचा पाना सबसे कठिन है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद।